ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। मानसून की पहली बारिश में खुली दिल्ली नगर निगम की पोल, अशोक विहार में निगम की लापरवाही की हुई इंतहा। 52 लाख की रकम से बने नाले में नहीं रुका बारिश का पानी। मामला अशोक विहार के ए ब्लॉक इलाके का है, जहां निगम के द्वारा सोसाइटी में बारिश का पानी निकालने के लिए एक नाला बनाया जा रहा है, लेकिन मानसून की पहली बारिश में ही निगम का ये नाला पानी में बहता हुआ नजर आया। यहां तक कि यहां की देखरेख कर रहे मुंशी से जब हमारी टीम ने बात की तो उसने बताया कि यहां का जेई छुट्टी पर है, जिसके कारण वो इसे देखने नहीं आ पाए थे। उन्होंने इसे फाइनल नहीं किया था। हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि यहाँ की देखरेख कर रहे मुंशी को इतना भी नहीं पता कि आखिर इस नाले को बनाने के लिए कितने रुपए का ठेका दिया गया है। कितने लाख का टेंडर है? अब ये हमें तो काम करवाने से सर वो होता है नहीं, ये तो काम भी नहीं हुआ ना सर। टेंडर से हमें क्या लेना देना, हम तो नौकरी कर रहे हैं। आपकी क्या पोस्ट है यहाँ पे? हम तो मुंशी हैं। मुंशी हैं? हाँ जी। ठीक है, तो यानी लेबर वेबर अरेंज करना आपका काम होता है और यहाँ पे काम देखना होता है? हाँ जी। और इंजीनियर साहब आके काम देख के जाते हैं? हाँ जी। तो इस काम को उन्होंने फाइनल किया है? अब सर वो इसमें आए नहीं थे, वो छुट्टी पे हैं। निगम के अनुसार जहां भी किसी भी प्रकार का ठेका दिया जाएगा वहां उसके ठेकेदार के नाम के सहित ठेके का सारा ब्योरा एक बोर्ड पर लगा दिया जाता है, लेकिन अशोक विहार के ए ब्लॉक इलाके में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। साथ ही ए ब्लॉक में रह रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को शिकायत की और कहा कि नाले को बनाने के लिए चालू सामान लगाया जा रहा है जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन अधिकारियों की तरफ से सोसाइटी के लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा है, ठेकेदार बदमाशी कर रहा है, उसने ना सीमेंट लगाई और ना ही पानी उतराई, सूखी चिंगाई की है और नीचे बेस भी नहीं, द्वारा नीचे जो बेस बना चाहिए बेस नहीं है, कच्ची रोड ही नहीं है, द्वार में कोई जान नहीं है, एक बारिश भी द्वार नहीं झेल पाई है, नाला कैसे प्रेशर झेलेगी? इसमें मट्टी मिलाई है, काली मट्टी गिरा करके सीमेंट लगा कर मट्टी से दीवारें खड़ी कर दी है और नीचे की बेस बनाई नहीं है, बिना बेस दीवार कैसे खड़ी रहेगी? एक बरसात छोटी सी बरसात आई, अभी तो मानसून आया नहीं है, मानसून नहीं आने के पहले ही इस बरसात एक ही बरसात के अंदर में दीवारों की हालत ऐसी हो चुकी है। ये फंड जो है बनाने का काम एमसीडी को दिया गया, एमसीडी को हम निगाह करा रहे हैं पहले दिन से प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन एमसीडी जो काम कर रही है उसके अंदर वो अपन जो ठेकेदार को जिसको काम दिया गया उसको भी कहा गया तो वो कहता है जी मैं तो बीच में छोड़ के चला जाऊँगा, और जो जेई को बुलाया गया तो वो कहता है कि जी मैं काम जो है वो मेरा मैं तो ट्रांसफर करा लूंगा, आप लोग तो मेरी सब जगह कंप्लेंट कर रहे हो। निगम की इस तरह की लापरवाही से तो यही लगता है कि इस बार भी मानसून दिल्ली के लिए मुसीबत बनकर ही आएगा। दिल्ली दर्पण की अब तक की सभी पड़तालों में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली एमसीडी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली दर्पण आगे भी अपनी इस मुहिम को जारी रखेगा और लोगों से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेगा। दिल्ली से कैमरामैन योगेंद्र के साथ लोकेश कुमार की रिपोर्ट। ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल।